के साथ आशिमा त्यागी। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली अदालत कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। तो संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालत कोई एक्शन यहां पर ना ले। तो साथ ही कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। तो निचली अदालत के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो याचिकाकर्ता से ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सही गलत अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, आप पहले हाईकोर्ट का यहां पर रुख करें। और साथ ही सवाल भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। तो वहीं दूसरी तरफ निचली अदालत को भी यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इस संदर्भ में 8 जनवरी तक कोई एक्शन ना लिया जाए। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। विष्णु ने सीधे तौर पर दलील ये रखी कि अगर इस पूरे मामले में हाईकोर्ट वो जाते हैं तो अपने पक्ष को रखेंगे। आज क्या हुआ विष्णु इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात, इसमें कोई रेमेडी की बात नहीं आती है। आज जो संभल की मॉस कमेटी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम केस के मेरिट्स पे कोई कमेंट कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप हाईकोर्ट में उसको चुनौती दीजिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो सील कवर में रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हाईकोर्ट में जब दायर करेंगे तो हाईकोर्ट देखेगी ट्रायल स्टे होना है कि नहीं होना है। ट्रायल कोर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली तारीख वैसे ही 8 जनवरी पड़ी हुई है। तो क्या माना जाए, क्यों? हालांकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ी जीत है हमारी। तो अच्छी बात है, अगर उनको लग रहा है कि उनकी बड़ी जीत है तो उनको बेस्ट ऑफ लक है, कांग्रेचुलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस के मेरिट पर नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये मामला बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट्स पे हम नहीं जाएंगे और आप इस बात को हाईकोर्ट में चुनौती दीजिए। तो अभी हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है। उनको रेमेडी तब मिलती है जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 19 नवंबर का ऑर्डर एकदम गलत है। आपने कैविएट फाइल कर रखा है? हमने हाईकोर्ट में कैविएट फाइल कर रखा है और हाईकोर्ट में अगर जब वो आएंगे तो अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेंगे। देखिए, सीधे तौर पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से, हालांकि विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया है कि वो हाईकोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। अगर जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो इनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा और ये अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखेंगे। अब ये देखना है कि जब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट अपना अहम सुनवाई करेगा तो आदेश क्या आता है, लेकिन तब तक निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रोक जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सुशील पांडे। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के